वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, अगेन वी आर टेकिंग द सेम प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। नाउ राइट द सॉल्यूशन। And you know that this is the left hand side part and this is the right hand side part. In this question, we started from the left hand side. So we have to write left hand side. The left hand side is sin theta minus 2 sin cube theta divided by 2 cos cube theta minus cos theta. Here, we see that in the numerator, sin theta is a common. So taking sin theta as a common, it gives 1 minus 2 sin square theta. In the same way, in the denominator, here is the cos theta is a common, it gives 2 cos square theta minus 1. बता देखो, अब तक तो ये प्रूफ कर दिया। जिसे जो प्रूफ करना है वो है tan theta, right hand side में। It means that कि अगर ये दोनों एक जैसे हो, it means that अगर ये दोनों कट जाते हैं तो मेरे पास आएगा sin theta upon cos theta, जो कि होगा टेन थीटा। प्लस वन में अब जाओगे इन हर क्लास में तो आपको पता चलेगा कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इट मीन दैट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। लेकिन यहाँ तो कोई फॉर्मूला पढ़े नहीं इस तरह का, अब एक काम करते हैं, हाउ टू प्रूव। बी रिमेम्बर, यहाँ पे एक ट्रिक है। एज यू नो दैट वन बराबर होता है वन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे याद रखना, वन की जगह पे हम यूज करेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अब इसके बाद क्या करेंगे समझ लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये वैसे रखो, साइन थीटा इनटू वन को आप लिख सकते हो ना क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फर्दर ये माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा ये वैसे ही रहेगा अपॉन, ऐसे यहां कॉस थीटा है, इनटू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब इस वन की जगह आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन आप इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखोगे, इस वजह से यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। तो ब्रैकेट में लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। अब जरा ब्रैकेट को ओपन करो तो देखो क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड में, एल एच एस स्क्वायर थीटा, बेटा समझ लो साइन थीटा बाई कॉस इसको टेन थीटा करते हैं, यहाँ लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। इनटू ब्रैकेट जब ओपन करोगे देखो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा ना, इट गिव्स दैट पहले कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इट गिव्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ऐसे देखो यहाँ पे साइन बाई कॉस टेन हो गया, ध्यान दीजिएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, बेटा माइनस प्लस माइनस होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर देखो माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 cos स्क्वायर थीटा ना, इट बिकम्स 10 थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा, बोथ आर कैंसिल ना, देखो बराबर हो गया ना, कैंसिल हो गया, सिर्फ आपके पास क्या है 10 थीटा है, 10 थीटा दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है prove that sin theta plus cosec theta whole square plus cos theta plus sec theta whole square is equal to 7 plus 10 square theta plus cot square theta. Right the solution? Here again we are taking the left hand side. But देखो पहले left hand side लिख लो आप। Left hand side तो वैसे ही रहेगी। पहली line वही लिखोगे। अर्थात sin theta plus cosec theta whole square plus cos theta plus sec theta whole square. बेटा देखो यहाँ पे हम कोसेक को 1 बाय साइन थीटा और सेक को 1 बाय कॉस नहीं लिख रहे, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, देखो ये साइन है कोसेक है तो हम जानते हैं दिस इज द फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको बाद में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और आपको पता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है तो सिर्फ यहाँ 2 आएगा। जरा देखो इसको ब्रेक करते हैं, इट गिव्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस cosec square theta plus 2 sin theta into cosec theta, ये आपका इस bracket का expansion ये हुआ। plus अब cos theta plus sec theta का whole square का expansion देखो,
cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 इनटू cos थीटा इनटू sec थीटा। अब जरा और सिंपलीफाई करते हैं। देखो बेटा यहां sin स्क्वायर थीटा है, यहां पे प्लस cos स्क्वायर थीटा है, चाहो तो एक साथ लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट लिखो वन। चलो मैं दिखा रहा हूं, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लिखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मैं रीअरेंज कर दे रहा हूं। प्लस यहां देखो cosec स्क्वायर थीटा है और यहां sec स्क्वायर थीटा, इसको रीअरेंज कर दो। तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, और देखो sin थीटा इनटू cosec थीटा ये 1 हो गया, तो सिर्फ 2 बचेगा, 2 इनटू 1 2 होता है, यहां से 2 आएगा, अब प्लस यहां से 2 आएगा। अब समझ सकते हो क्यों यहां 2 आया, because sin थीटा इनटू cosec थीटा इज 1, सो 2 इनटू 1 1, इन द सेम वे cos थीटा इनटू sec थीटा इज 1, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वही आएगा, तो 2 इनटू 1 2 और 2 प्लस 2 4 हो जाता है। देयरफॉर अब लेफ्ट हैंड साइड क्या लिख सकते हैं, ये देख लो, देखो लेफ्ट हैंड साइड इस पर रेस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसको बेटा इसी में 1 हो गई, प्लस देखो ये cosec स्क्वायर थीटा sec प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 2 4 हो गया। तो तुम ध्यान दो हमारे क्वेश्चन में tan स्क्वायर का जिक्र है, cot स्क्वायर का, तो क्या cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर का फार्मूला होता है? यस, जैसे मैं फार्मूला यहां लिख के समझा दे रहा हूं, तो जरा ऊपर मैं लिख करके समझा रहा हूं आपको, ठीक है? तो देखो जैसा कि आपने पढ़ा था कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से cot सॉरी cosec स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, 1 + cot स्क्वायर थीटा, यानी हम जहां cosec स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ऐसे ही sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से आप sec स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा, इन दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करूंगा, देखते हैं। देखो बेटा 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा जब लिखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये है cosec स्क्वायर का फार्मूला, प्लस और जहां sec स्क्वायर थीटा वाली को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, और 2 प्लस 2 क्या होता है, प्लस 4 होता है। अब सबको जोड़ो, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 और 3 प्लस 4 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर, देखो ये राइट हैंड साइड है, इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, ये इक्वल करना, ठीक है ना, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट cosec थीटा माइनस sin थीटा इनटू sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा। नाउ राइट द सॉल्यूशन, टेकन इज लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड विल टेक, लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन cosec थीटा माइनस sin थीटा इनटू sec थीटा इनटू माइनस cos थीटा। तो देखो यहां पे ना बहुत से बच्चे ना ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं, तो लेंथी प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस ये है कि भी एक स्मॉल ब्रैकेट देखो, ये cosec थीटा को 1 / sin थीटा लिख सकते हैं, और cos को 1 / cos लिख सकते हैं, और थोड़ा उसको आगे बढ़ाते देखते हैं हाउ टू सॉल्व। फर्स्ट आप राइट द cosec थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, 1 upon sin theta minus sin theta होगा, right? Into. In the same way, sec theta is written as 1 by cos theta or minus cos theta. Now, ये होगा 1 minus 1 upon sin theta minus sin theta ना, it means that आप इसको ऐसे लिखो, 1 minus sin square theta upon sin theta. In the same way, बट ये sin theta है. इसको लिख सकते हो 1 minus cos square theta upon cos theta. कैसे लिखा? जो बेटा 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा, ठीक, cos इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो जब एलसीएम लोगे cos थीटा 1 का cos थीटा होगा, cos से cos डिवाइड दो 1 टाइम जाएगा, तो 1 into 1 1 ही होता है। इन द सेम वे 1 को डिवाइड 1 से डिवाइड करो, cos थीटा पर जाएगा, तो cos थीटा into cos थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, उसी से इसका इसका भी वही मल्टीप्लाई होगा, सेम टू सेम है। अब ये बताओ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, तो आप लिखोगे cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, तो लिखोगे आप sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब क्या देख रहे हो बेटा, एक sin से एक sin कटेगा ऊपर वाला, एक cos से cos, अंत में बस इतना ही आएगा cos थीटा into sin थीटा, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वो हमारा 1 upon tan थीटा plus cot थीटा। अब क्या करोगे, इट मींस दैट कि यहां पे हमें लेफ्ट हैंड साइड भी लेके चलना है और राइट हैंड साइड भी लेके चलना है। अब आप राइट हैंड साइड लेके चलो और कोशिश करो कि यही आपका रिजल्ट आना चाहिए, ओके। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, जिसका आंसर आना चाहिए cos थीटा इनटू sin थीटा, देखते हैं। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो लेके चलेंगे, ठीक है। अब लिखते हैं राइट हैंड साइड, नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, जो कि दिया है 1 /
tan थीटा और प्लस cos थीटा। चाहो इस बात में को कोई दिक्कत नहीं है। वन अपान बेटा tan थीटा को sin cos में ब्रेक करो, इट गिव्स sin थीटा बाय cos थीटा। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। प्लस cos थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, सबको पता है। अब तो प्रैक्टिस हो ही गया होगा। डिवाइड का साइन लगाओ या वन लिख लो, और इसका देखो इसका एलसीएम लो, cos थीटा sin थीटा एलसीएम, cos थीटा sin थीटा होगा, cos थीटा sin थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा sin स्क्वायर थीटा और प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये ऊपर आएगा ना, इट गिव्स cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बेटा बताओ डिनोमिनेटर वन है ना, वन होगा ना, बिकॉज इट इज द फॉर्मूला फॉर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा व्हिच इज वन। सो हम देख सकते हैं cos थीटा sin थीटा अपॉन वन, जो कि आएगा फर्दर यही आएगा, क्या आएगा, cos थीटा sin थीटा आ गया ना। देयरफॉर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। यही हमारा प्रूविंग स्टेटमेंट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेटा अगला जो क्वेश्चन है वो एमसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। और देखो इसमें जो है ना प्रूफ दैट, या देखो तीन टर्म है ना, इट मीन दैट आपको ना ये टर्म लेके चलना है, ये प्रूफ करना है, फिर ये लेके चलना है, फिर ये प्रूफ करना है। इट मीन दैट यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एग्जाम में कोई एक इस तरह से पूछेगा कि प्रूफ दैट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, या ऐसे कहेगा प्रूफ दैट वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, या ऐसे कह सकता है कि प्रूफ दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा ऑफ होल स्क्वायर। बेटा इसको हम पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ना हम ये बराबर ये प्रूफ करते हैं, फिर ये बराबर ये प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। मान लेते हैं हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, यानी हम क्वेश्चन को ब्रेक कर दे रहे हैं, क्वेश्चन को रीअरेंज कर दे रहे हैं। एग्जाम में इस तरह नहीं पूछेगा। तो हम पहले क्वेश्चन को हम ऐसे मॉडिफाई कर रहे हैं कि प्रूफ दैट, इसको मैं ऐसे लिखूंगा पहले, प्रूफ दैट मान लो हमारा क्वेश्चन ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लाना है टेन स्क्वायर थीटा। चलो मान लो हमारा यही क्वेश्चन है, कैसे प्रूफ करेंगे, पहले सोल्यूशन इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की पहली लाइन लिख लो, यही है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा जैसे कि पता है ना आपको, अब फार्मूला आपको लर्न हो चुका है मान लो, तो जैसा कि आपने पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पढ़ा था ना sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सोचो यहां से sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, ये होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स दैट जहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वहां क्या लिख दो sec स्क्वायर थीटा। तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं न्यूमरेटर में sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ऐसे ही cosec स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप सोचो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इट मीन्स दैट जहां पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है इट इज रिटन एज cosec स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो जो हमको लाना है वो tan स्क्वायर थीटा, अब कैसे करेंगे, देखो न्यूमरेटर वही रहेगा sec स्क्वायर थीटा, और जैसा कि आपको पता है कि ये 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा है, इसको लिख सकते हो आप sin स्क्वायर थीटा। अब देखो अब sec स्क्वायर थीटा फर्दर आप लिख सकते हो क्या 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, ये है क्या, ये है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा। अब इसको सिस्टमैटिक वे में लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा, यही क्या है tan स्क्वायर थीटा, यही आपका मान लो क्या राइट हैंड साइड हो गया, यानी प्रूफ हो गया ना। एक तरीका तो ये था, आप देख सकते हो हमने बेटा डायरेक्ट जो है फॉर्मूला यूज किया, क्या यूज किया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है sec स्क्वायर थीटा है, एंड 1 + cot स्क्वायर थीटा जो है cosec स्क्वायर थीटा है, उसके बाद मैनिपुलेट किया तो हमारा आंसर आ गया tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, एक और तरीका है, आप sin और tan को sin / cos करो, और cot को cos / sin करो, वहां से लगाओ, उसको भी देख लो और करके देख लेते हैं। देखो और करके मैं लिख ले रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो बेटा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो क्या होगा, ऊपर की लाइन में अरेंज कर दे रहा हूं, इसको
इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, देखो इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप समझ गए कैसे आया होगा, होल डिवाइडेड बाय इक्वल टू ना, हमेशा ही डिवाइड के सामने लगाने की कोशिश करोगे। डेनोमिनेटर होगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आप इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है ना, और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू वन होती है और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इट गिव्स। अब चेक कर लो ये आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है टेन स्क्वायर थीटा, और यही क्या है हमारे लिए राइट हैंड साइड, यही सीख करना था, यही प्रूव करना था, इस तरह से बच्चों आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। प्रूव दैट 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। नाउ टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा टू द होल पावर 2। बेटा सेकेंड लाइन से हम लिख सकते हैं, यही लिख दे रहा है, जैसे a अपॉन b का होल स्क्वायर होता था ना, इट इज रिटन एज a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, लाइक दिस हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। अब यहां से करते क्या है, बहुत से बच्चे ना इसको एक्सपेंड करते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, ये लिख सकते हो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 cot थीटा। तो ये भी एक टेक्निक है, क्योंकि हम जानते हैं ना 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये एक आसान तरीका है। दूसरा मेथड ये है ना कि हम tan और cot को sin / cos में चेंज कर रहे था, tan थीटा की जगह लिखे sin थीटा / cos थीटा एंड cot थीटा की जगह लिखेंगे cos थीटा / sin थीटा, और थोड़ा सा वहां से मैनिपुलेट करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, तो बेहतर है sin / cos और cos / sin का यूज करें। चलो तो देखो न्यूमरेटर पहले देखते हैं, 1 माइनस टेन को लिखो साइन बाई कॉस, मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो डर फर्दर न्यूमरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब बच्चों आप समझ रहे होंगे कैसे होगा, अब देखो अगली लाइन से क्या करते हैं, अब इसको रेस कर सकते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बेटा ये ए अपन बी का होल स्क्वायर जैसा ना, इसको आप ऐसे भी लिख दो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई, इसे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, थोड़ा इसको भी रेस कर दें जगह मिल जाएगा, होल डिवाइडेड बाई क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो ये ए अपॉन बी टोटल अपॉन सी अपॉन डी है, इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करते हो याद है ना, देखो सीख लो आप समझ लो आप, देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस डिवाइड को जब इनटू में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है फ्रैक्शन में, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखो एक फार्मूला पढ़ा था तुमने कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, बट ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू हो सकता है बी माइनस ए होल स्क्वायर, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है ना, अर्थात ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन कॉस थीटा, तो दोनों सेम है कट जाएंगे, या इस तरह इस प्रॉपर्टी को भी आप लर्न कर सकते हो, तो इस तरह दोनों कैंसिल आउट, तो इट बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इट गिव्स अ tan स्क्वायर थीटा, और यही क्या है बेटा राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ना आपके एनसीईआरटी का जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फार्मूले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो चुके हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी एग्जांपल से भी सवाल लगाने होंगे,
प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप आपको नर्व नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा। ओके, प्रैक्टिस के लिए आप अदर रेफरेंस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल को लगा सकते हैं। ठीक है, आइए उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, नाउ बेटा कुछ सवाल हम प्रैक्टिस करते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन है, अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आइए देखते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन। जैसा कि आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड लिख चलेंगे, एलएचएस इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। बेटा देखो, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर, इसको आप ऐसे लिखो 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस कॉस थीटा, लिख सकते हैं इनटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्यों डिनोमिनेटर नहीं करते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, पर इससे क्वेश्चन इजी होता है। अगर आप न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लोगे, अर्थात हम 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो भी हमारा आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है, तो मैं भी बता दूंगा आखिर में कितना स्टेप बढ़ता है। चलो अब देखो, अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा इनटू वन माइनस कॉस थीटा गिव्स अंडर रूट में होगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो, होल डिवाइडेड बाय, जैसा कि पहले ही बताया गया है, वन प्लस कॉस थीटा गुणे वन माइनस कॉस थीटा इट गिव्स वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि वन का स्क्वायर वन होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो बेटा क्या होगा, इसका इंक्रेज करते हैं, ये रूट स्क्वायर रूट पावर टू है ना, तो आप इसको ऐसे लिखो वन माइनस कॉस थीटा, क्योंकि रूट हट चुका होगा। और आपको पता है अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, अर्थात ये हो जाएगा रूट में ही साइन स्क्वायर थीटा, क्यों? ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, ये होगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको अलग करो ना, वन बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, देखो क्या आएगा, तो वन बाई साइन थीटा कॉस थीटा होता है, और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है। तो अगले आंसर लिख सकते हैं ना क्या, वन अपॉन साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इट गिव्स कॉसेक थीटा अब माइनस कॉट थीटा, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड, यही प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया बेटा। जैसे मैंने बताया था ना कि हमने इसका डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ये ला दिया, तो क्या जरूरत है हर बार डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने की, उसके कॉन्जुगेट से नहीं, अब न्यूमरेटर कॉन्जुगेट से भी ला सकते हो, थोड़ा स्टेप बढ़ेगा। देखिए आइए उसकी प्रैक्टिस कर देते हैं, दोनों आप जानो रटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लो, मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड है, अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, ये है। अब क्या करो, अब अगले स्टेप देना, इसका न्यूमरेटर क्या है वन माइनस कॉस थीटा है, पहले लिख लो वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर का जो कॉन्जुगेट होता है वो वन प्लस कॉस थीटा होता है, अर्थात यहाँ वन प्लस कॉस थीटा होगा और यहाँ भी वन प्लस कॉस थीटा होगा, तभी तो बैलेंस होगा। अब देखो बेटा, वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा इट गिव्स अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ देखो वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा इट गिव्स वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो अब अगले स्टेप में क्या होगा, जैसा कि आपको पता है ना वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, सो इनोमिनेटर इट बिकम साइन स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय वही रहेगा भी, मान लो वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो अब रूट हटाओ, ध्यान दो, ये देखो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन थीटा होगा, और ये क्या होगा वन प्लस कॉस थीटा होगा। अगर हमें ये प्रूफ करना है तो यही स्टेप लेके चलेंगे, लेकिन क्या देख रहे हो आप, क्या ये मिला, नहीं मिला ना, तो प्रॉब्लम में आ गया। अब क्या करोगे, अब एक ट्रिक है, अब ट्रिक क्या, थोड़ा यही प्रॉब्लम आता है, अब सवाल में जो प्रूफ करना राइट हैंड साइड वो तो आया नहीं, उसके लिए फर्दर हम क्या करेंगे, अब ऊपर नीचे अगेन हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी अब याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा ये प्रोसेस जो गलत मतलब लेंथी माना जाता है। अब फर्दर आप क्या करो, अब साइन थीटा अपन साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो। अब क्यों करोगे, क्यों इसलिए करते ताकि ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाए, और साइन स्क्वायर थीटा फर्दर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फर्दर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा टू 1 प्लस कॉस थीटा, तब जाकर के हमारा ये आएगा। देख लो, यानी आपको थोड़ा सा अब लर्न करना पड़ेगा, प्रोसेस लंबा हो गया, तो इट गिव्स साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको वैसे ही लिखो जैसे, कोई चेंज मत करना, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
अब जैसा कि आपको जब पता है ना साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सबको पता है ये, एंड होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। देख रहे हो ना इतना लंबा प्रोसेस हो गया, थोड़ा सा भी अपने कंजुगेट चेंज कर दिया था, न्यूमरेटर का ले लिया तो प्रॉब्लम भी आ गए। ठीक है, अब क्या करो, अब अगली लाइन में देखो, अरे देखो ऊपर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो ना एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा इनटू सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय क्या है, वही है 1 प्लस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस बोथ आर कैंसिल, बचा सिर्फ क्या, वही 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको अलग रखो, तो आ गया ना, तो देखो 1 बाय साइन थीटा हुआ और माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा हुआ, सो इट गिव्स क्या देगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू लगा के कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही हमारा राइट आंसर। अब आपको अनुभव लग गया होगा, अंदाजा लग गया होगा कि थोड़ा सा भी अगर कॉन्जुगेट हम चेंज करते हैं तो उस केस में क्या क्वेश्चन जो है लेंथी हो जा रही है। ठीक है, उसका सबसे लेंथी हो जा रहा है बेटा, इसलिए ध्यान दीजिएगा मोस्टली क्वेश्चन में हम डेरिवेटिव का ही कॉन्जुगेट लेके चलते हैं। अगर मान लो सवाल लगा रहे हो, 2-3 स्टेप बाद अगर आंसर नहीं आया, इसका मतलब आपने गलत कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है। आप तुरंत उसको चेंज करके अपने कॉन्जुगेट को चेंज कर दीजिएगा ताकि आसानी से सॉल्व करो। ठीक है, नहीं तो आपको जैसे बताया ऐसे करना पड़ेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos टू द पावर 4a माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू लाना है sin टू द पावर 4a माइनस sin स्क्वायर। बेटा देखो जैसे कि क्वेश्चन लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिख चलो, हो सकता है अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नहीं आता है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हुए एक सिंपल सा आंसर लाएंगे, देन फर्दर राइट हैंड साइड भी लेके चलेंगे वही आंसर मैच करा देंगे, तो हम कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है cos टू द पावर 4a और माइनस cos स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन में कभी एंगल ए होगा कभी थीटा, बस हो रहा है ये गमत तरीका वही होता है। अच्छा इन दोनों में देखो क्या पहले कॉमन है, देखो cos स्क्वायर ये कॉमन है, ठीक है ना, इसके लगाने कई मेथड हो सकते हैं, फिलहाल इसमें cos स्क्वायर ये कॉमन ले लो, पहले आएगा cos स्क्वायर a माइनस 1। अब आपने तो 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर पढ़ा है, तो अब क्या करो इन दोनों में ना माइनस 1 कॉमन ले लो, तो माइनस को आगे लगा दो, ये cos स्क्वायर ही होगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो आगे चलकर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर, अर्थात माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है ना, अब देखते हैं राइट हैंड साइड में अगर यही आ गया तो ठीक है, यानी ला सकते हैं बेटा, देखो लेफ्ट हैंड साइड ही नहीं चल सकते, क्यों, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है उसमें साइन का ही जिक्र है, कॉस का जिक्र नहीं है, तो फर्दर क्या करो माइनस साइन स्क्वायर ऐसे लिखो पहले, अब हम कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अब फर्दर 1 माइनस साइन स्क्वायर, हाँ यही तरीका सही है क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट राइट हैंड साइड लाएंगे। ठीक है ना, तो आप cos स्क्वायर क्या लिखते हो 1 माइनस sin स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर को आगे रखिए, अब जरा ब्रैकेट खोल दीजिए, देखो माइनस sin स्क्वायर इनटू 1 क्या देगा माइनस sin स्क्वायर, अब माइनस इनटू माइनस क्या होगा प्लस, sin स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर और जुड़ जाएगा तो sin टू द पावर 4 हो जाएगा, तो sin टू द पावर 4 है, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या अगली लाइन से लिख सकते हो इक्वल टू sin के पावर 4 माइनस sin स्क्वायर, माइनस क्या लिख सकते हैं बेटा साइन टू दी पावर 4a और माइनस साइन स्क्वायर, यही है ना, प्लस को आगे रखो माइनस को बाद में रखो, यही हमारा क्या राइट हैंड साइड है, तो हम कह सकते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है cot टू दी पावर 4a माइनस 1 इक्वल टू है cosec टू दी पावर 4a माइनस 2 cosec स्क्वायर, बेटा पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, वैसे हम चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेकर चल सकते हैं, इसको ला सकते हैं, तो दोनों सही है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड cot टू द पावर 4a माइनस 1, बेटा इसको लगाने कई मेथड हो सकते हैं, हम क्या करें यहाँ पे ना, हम इसको cos और sin में ब्रेक कर रहे हैं, नहीं तो एक और तरीका है, आप इसको ऐसे समझो cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर कर सकते हो और 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते हो, सो इट इज द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b और सेकंड ब्रैकेट में होता है a प्लस b, तो आप इसको लिख सकते हो cot स्क्वायर a माइनस 1 इन वन ब्रैकेट और cot स्क्वायर a प्लस 1 सेकंड ब्रैकेट, जो प्रूफ करना है देखो इसमें कॉसेक का जिक्र है, तो क्या कैसे करेंगे ये समझ लो, देखो एक आसान तरीका ये है ना कि आप डायरेक्टली जनरली हम लोग फॉलो पढ़े हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वहां से कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी तरीका, उससे आसान तरीका ये है कि सबको पहले कॉस साइन में बदलो उसके बाद हम यूज करेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं सबसे आसान मेथड लगाते हैं साइन कॉस को चेंज करके लगाते हैं, वो भी तरीका है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री बड़ा ही फ्लेक्सिबल है, अब अगर आपको पास अच्छा कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का आप कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम cos बदलते हैं, इसको लिखेंगे cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a,
और ये माइनस वन होगा। इन द सेम वे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपन साइन स्क्वायर ए प्लस वन। थोड़ा इसको और सिंपल करते हैं, ऊपर की गुना नेस कर देते हैं। देखो बेटा ये कॉस स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा ये कॉस है। देखो अब लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस साइन स्क्वायर ए, सही बात है। इसको लिख सकते हो, ध्यान देना एक कॉस स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है और अपन क्या होगा साइन स्क्वायर। तुम क्या देखोगे साइन स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन पे पावर फोर है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है इसकी वैल्यू कौन होगी ना, तो ध्यान दो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। बेटा देखो एक्चुअली हमको कॉसेक मिसक डालना है, कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। एक तरीका ये कि जहां जहां कॉस स्क्वायर है वहां साइन चेंज कर दो, ठीक है। अभी हम फर्दर इस कॉस स्क्वायर को लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर, फिर फर्दर ये माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ये देखो साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा साइन की पावर फोर ए, और जानते हो इसकी वैल्यू वन होती है, ठीक है। जैसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान देना ये वैल्यू वन हो गई है, ठीक है ना। अब जरा ब्रेकेट खोलो बेटा, ये वन हो गया ध्यान दीजिएगा, तो वन अपन साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये तो वही रहेगा, फर्दर मैंने कॉस स्क्वायर में ये लिख दिया है, ठीक है। जरा ब्रेकेट खोलोगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर ठीक है टू साइन स्क्वायर है, और डिवाइडेड क्या होगा साइन पे पावर फोर होगा। अब सबको अलग करो तो ये होगा वन अपन साइन पे पावर फोर है और माइनस टू साइन स्क्वायर ए अपन साइन पे पावर फोर है। अब सोचो क्या होगा, जैसा कि आपने पढ़ा था वन अपन साइन ए कॉसेक ए इन द सेम वे वन अपन साइन टू द पावर फोर ए होगा कॉसेक टू द पावर फोर ए, इस बात को जानते रहिएगा। बेटा टू लिखो, अब ध्यान दो साइन स्क्वायर ए अपन वन साइन टू द पावर फोर ए है, तो टू अपन इसका दो पावर कम हो जाएगा, जैसे साइन पावर फोर है ये टू है तो कटेगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये सब समझ रहे होंगे पावर में पढ़ाया गया, तो इसको आप लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो कोसेक फोर ए माइनस टू इंटू कोसेक स्क्वायर है, यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड, क्यों क्योंकि आप जानते हो ना वन अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर है, तो यही बेटा प्रूव करना आता, तो हम कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सोचिएगा, प्रूव दैट साइन टू द पावर फोर ए प्लस कॉस टू द पावर फोर ए इज इक्वल टू लाना है वन माइनस टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सॉल्यूशन लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेक्चर होंगे, ये होगा साइन टू द पावर फोर ए प्लस कॉस टू द पावर फोर ए। बेटा ध्यान दो अगर ये माइनस होता थे मतलब ये है मतलब साइन टू द फोर ए प्लस कॉस टू फोर ए है तो क्या कर सकते हैं, जरा इस चीज को समझाते हैं आपको थोड़ा रफली समझ। जैसे अगर मैं कहूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, फिर निकाल के देखो ये होगा साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अर्थात ए का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर प्लस टू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो बेटा देखो ये हो जाएगा साइन पे पावर फोर है और ये हो जाएगा कॉस पे पावर फोर है, ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और ये वन होती है ना, तो मतलब अभी आपको मतलब यहाँ यही इसी तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे, थोड़ा और आसान तरीके से हम समझा दे रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज करेगा। देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब जरा सोचो क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है, क्यों देखो इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो आएगा साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर साइन टू द पावर फोर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अर्थात कॉस टू द पावर फोर ए प्लस एक्स्ट्रा टर्म आएगा टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, तो वही टर्म हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान दो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, शायद बहुत से बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, मैं जरा थोड़ा एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे देखो पहले सभी बच्चे इस चीज को नोट करेंगे, अगर हम साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर करें तो क्या आएगा बताओ, ये आएगा साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस टू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। अब सोचो बच्चों साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर होता है साइन पे पावर फोर ए प्लस ये हो जाएगा कॉस टू द पावर फोर ए प्लस ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ये क्या था ये था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इसी के बराबर है। अब तुम सोचो क्या है ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर का ये है,
तुम ध्यान दो कि इसको हम लिखे साइन पेपर फोर ए प्लस क्लास पर फोर ए और प्लस टू साइंस पर एक आसवर है। अगर प्लस टू साइंस पर एक आसवर इधर ट्रांसफर कर दो तो ये कुछ ऐसा ही होगा। आज इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन पेपर फोर ए प्लस क्लास पर फोर ए, वही लिखा मैंने, इसकी वैल्यू यही ने लिखा है। आप देख लो यहाँ से, अब अगले आंसर देखो क्या होगा, इसको आप पॉज बटन यूज करके आप इसको समझ सकते हैं अलग से, तब इसको समझिएगा ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से आपको पता है इसकी वैल्यू वन होती है, ये हो जाएगा वन का होल स्क्वायर, अब माइनस जो है वैसे ही लिखो टू साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, वन माइनस टू साइन स्क्वायर इन टू कॉस स्क्वायर है, यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड में सिद्ध करना था। देन हंस वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही प्रूफ कर रहा था। प्रूफ दैट साइन टू दी पावर फोर ए माइनस कॉस टू दी पावर फोर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल टू वन माइनस टू कॉस स्क्वायर। बेटा देखो एक्चुअली में हम इसी को लेकर चलेंगे, अब हम बारी बारी से इसको भी प्रूफ करेंगे, फिर इसको भी प्रूफ करेंगे, फिर इसको भी प्रूफ करेंगे। इट मीन दैट एग्जाम में कोई एक आएगा, लेकिन हम बेटा उसके बता दे रहे जहां तक जो चाहिए वो आप वहां तक आप देख सकते हो ठीक है। तो सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे साइन टू दी पावर फोर ए माइनस कॉस टू दी पावर फोर ए। अब देखो इसको साइन टू दी पावर फोर ए का मतलब क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, वैसे ही कॉस टू दी पावर फोर ए लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। इट मीन द ये ए है, ये समझो बी है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हो ए माइनस बी अर्थात साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू ए प्लस बी दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो आगे ना बहुत से बच्चे नहीं समझ रहे होंगे बेटा, देखो कभी भी हम ए टू द पावर फोर को लिख सकते हैं, ए टू द पावर फोर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वैसे ही साइन टू द पावर फोर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर ठीक है। अब देखो ये तो वही रहेगा, नो मोर चेंजेस हियर, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए और इनटू ये इसकी वैल्यू वन होती है ना फॉर्मूले से, वन हो गया मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा, क्या रहेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। अगर एग्जाम में आता है साइन टू द पावर फोर ए माइनस कॉस टू द पावर फोर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, आपको इतना ही लिखना होगा ठीक है। अब जो है हम इसको प्रूव करते हैं, तो उसी में हम एक लाइन और ऐड करते हैं, क्या जहां इस वाले सवाल में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है, तो हम जहां कॉस स्क्वायर ए को भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए ठीक है ना। आइए देखते हैं, तो इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस बेटा कॉस स्क्वायर ए को वन माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि अब हमको सिर्फ साइन लाना है, ब्रैकेट खुलेगा तो साइन स्क्वायर ए माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर ए इट गिव्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन। ऐसे ही बेटा इसके बाद स्टेप चेंज कर देना, अगर हमें ये लाना है क्या वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए, तो क्या करोगे, क्या था साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए ना, अब इसको चेंज करेंगे कॉस में, तो मतलब क्वेश्चन हम बदलते जा रहे हैं। अगर मान लो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये है, क्या है चेंज कर देना साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब यहां तक ला दिया, अब हम प्रूफ करेंगे ये, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक जगह पे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट जब खोलोगे तो आएगा वन माइनस टू कॉस स्क्वायर, यही है राइट आंसर ठीक है। इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। इससे बेटा आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जहां आप इजी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो।